लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घटती बढ़ती जा रही है। दो दिन पूर्व पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 थी व 6 मई को एक साथ 5 पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने से यह आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया। वहीं कल 7 मई को आई रिपोर्ट ने नगरवासियों को राहत दी। 34 पॉजिटिव मरीजों में से 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अर्थात 10 मरीज ठीक हो गए थे, जिससे नगरवासियों को ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना का कहर नगर से कम हो रहा है। लेकिन 8 मई की सुबह एक ही परिवार के 8 सदस्यों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से नगर में फिर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जिस मकवाना परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह वेद परिवार के पड़ोसी हैं और नगर में चर्चा है कि कहीं ना कहीं यह परिवार वेद परिवार के संपर्क में आने से ही संक्रमित हुआ है। नगर में लगातार बढ़ रही पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए नवागत कलेक्टर आशीष सिंह शुक्रवार को बड़नगर के कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया, वहां के लोगों से भी चर्चा की, उनका हालचाल जाना। उसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह एक निजी गार्डन पहुंचे, जहां वेद परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है, उनसे भी मिले और उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने अधिकारियों को भी बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। देखिए, बड़नगर भी एक काफ़ी संवेदनशील जो है वो केंद्र बन गया है कोरोना के दृष्टि से। अगर देखें 41 यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वायरस का फैलाव है वो 3-4 फैमिलीज तक ही सीमित है, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने अच्छा काम करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी को चूंकि करा दिया था। ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट्स यहीं पे आई हैं और यहाँ से पॉजिटिव हुई हैं, तो अगर आसपास के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, जो संपर्क हैं, वो बहुत जल्दी निकाल लिए जाते हैं, उनकी सैंपलिंग हो जाती है, वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज जल्दी चालू हो जाता है। तो वायरस की जो लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।